हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम जैसे से नज़दीक आ रहा है, बहुत बच्चों की परेशानियां बढ़ रही हैं। परेशानियां इन द सेंस कि उनको एक एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस हो रहा है, उन्हें लगता होगा कि नहीं होगा। तो ये तो आपको हमसे ज़्यादा पता है, होगा या नहीं होगा। तो आई एम टेलिंग टू यू, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये क्यों सोचते हैं आप भाई? अगर आपने पढ़ रखा है, सही तरीके से पढ़ रखा है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के पढ़ रखा है, तो फिर चिंता क्यों करता है? इसलिए ऐसी चीज़ों को लेकर अपने दिमाग में कोई बहुत ज़्यादा डायलेमा की स्थिति मत लाइए, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कभी भी सफल आपको किसी भी फील्ड में होना होगा वो चाहिए। अगर साल भर आपने पढ़ाई ही नहीं की है, कोई स्ट्रैटेजी बना के नहीं रखी है, कभी ये करते हों कभी वो करते हों, शॉर्टकट खूब अपना रखे हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आई एम श्योर, मैं डिमोलाइज नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से पूछ लीजिए, छोटा टीचर, बड़ा टीचर, अच्छा बच्चा, खराब बच्चा, वो जानता है। यार हमें कुछ पता होता नहीं है, हमने क्वेश्चन देखे हैं और उसको टिक मारना सीख गए हैं, तो वो खाली इंटरटेन कर रहा है पूरे साल को। हम कोशिश करते हैं समझने की कि वास्तव में हमारे अंदर प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि कई सालों से हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे ब्रेन के साथ को रिलेट होते हैं, उनको रीड करते हैं, पढ़ाने के साथ साथ एक साइकोलॉजी के हम उसे रीड भी करते हैं कि एक बच्चा डिप्रेस क्यों हो जा रहा है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने यही अपने करियर में महसूस किया है, डिप्रेस सामान्यतः वो बच्चा होता है जिसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। उसने पूरे साल बस यूं ही पढ़ाई कर ली, कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, किसी टॉपिक की थ्योरी उसके पास नहीं होती है। और इन्हीं सब की वजह से, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास थ्योरीज क्लियर नहीं है, तो फिर आप में डिप्रेशन एग्जाम के वक्त एकदम स्वाभाविक है, वो आना ही आना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने प्लानिंग, जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की 4 महीने 6 महीने 8 महीने पहले प्लानिंग शुरू कर रखी थी, तो आज डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि सफलता के लिए पहले एक रणनीति बनाई जाती है। आप इतिहास को पढ़ के देख लें, जब भी कोई राजा युद्ध के लिए जाता था तो उसका एक रणनीति बनाता था। ये नहीं उठा मुंह धोया सुबह और जाके पहुंच गया कि हाँ भाई आ गए लड़ने, ऐसा नहीं है। छोटा युद्ध हो बड़ा युद्ध हो, रणनीति के बिना नहीं लड़ा जाता। तो आप कहोगे सर अब हम क्या करें, अब तो सर हमारा साल गया। नहीं गया सर, सर जो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो अभी बाकी है, जो हमारा एग्जाम है, उस एग्जाम आज से लेकर अभी 1 महीने 1.5 महीने लगभग बाकी हैं, 40 दिन तो लगभग हैं, तो हम 40 दिन की स्ट्रैटेजी जरूर बना सकते हैं। आप रिजल्ट्स की चिंता मत करो, रिजल्ट्स तो किसी को नहीं पता होता है सिवाय ईश्वर के। एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हमें किस दिन क्या करना है, और 40 दिन ही सही, बट स्ट्रैटेजी तो हो सकती है। तो आप सोचोगे कि नहीं सर 40 दिन की स्ट्रैटेजी आप बताओ, सर मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा सर ये हमारी औकात के बाहर है, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आप तय करो जो आपकी औकात के अंदर आता हो, जितना आपका शरीर साथ देता हो उतना पढ़िए। अगर इस पढ़ने के दौरान आपके कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जो आपको नहीं समझ में आए या नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ दीजिए, कुछ जरूरी थोड़ी ना है उस टॉपिक से सवाल आएगा।
जैसे सपोज करिए हमने कोई केमिस्ट्री उठाई, 11th 12th मिला के सपोज करिए उसमें 45 चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री का टीचर तो हूँ नहीं, तो कोशिश करिए हर दिन एक चैप्टर को वाइंड अप करने की, एकदम पूरी तरह से वाइंड अप करने की, जिस तरह से आपने पढ़ा हो, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स हो उनके साथ, क्या शाम तक, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ी ना सर, एक फिजिक्स का भी चैप्टर, एक बायो का भी चैप्टर, तो इसके लिए आपको समय चाहिए। आप क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं कि अरे एक चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक खोली और लाइन लाइन लगा दिया। सर इससे कुछ होने होने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं, बट मानते अभी नहीं हैं, एग्जाम के समय मानने लगते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कलर कर लेने से, अंडरलाइन कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, उसके पीछे जो बिहाइंड मैप्स हैं, जो चार्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जब तक आपके दिमाग में यहाँ फीड नहीं होगा तो वो रिकॉल ही नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वहां पे टाइम का प्रेशर हर सेकेंड बढ़ते लगता है, रिकॉल नहीं होगा या गलत रिकॉल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए इस बात को कि हमारे पास जो भी समय है उस समय के साथ हम अपने जो बचे हुए सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करें। हताश होने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रैटेजी आप 40 दिनों में अपना सकते हैं, 2 घंटे का समय लीजिए, एक प्लान बनाइए, अपनी सुविधा से बनाइए। अब ये मत आप हमसे पूछिएगा नहीं सर कितने घंटे पढ़े, तो सर मैंने पहले ही कह दिया कि मैं अगर कह दूंगा तो आपके औकात से कुछ लोगों के बाहर निकल जाएगा। अगर आप 3 घंटे की औकात है तो 3 घंटे पढ़िए, किसने कहा आप 13 घंटे पढ़िए, लेकिन किसी की अगर 17 घंटे की औकात है तो 17 घंटे की एक चार्ट बनाए कि हमें कब और क्या पढ़ना है। दूसरे को ना देखे, ये सब हर बच्चा अपने आप में अलग है, सबकी अपनी कैपेसिटीज हैं, उसके हिसाब से बनाए। अगर आप ऑनेस्टली इस जगह काम कर लेंगे तो आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। अगर यही बेमानी शुरू कर देंगे, औकात 4 घंटे पढ़ने की नहीं और बना दिया चार्ट आपने 13 घंटे का, कि देख के कि बगल वाले दद्दा या भैया जो हमारे हैं वो बहुत पढ़ता है, तो उसी के हिसाब से बनाएंगे, नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरे दिन सर पकड़ के बैठ लोगे कि क्या कर लिया हमने, ये नहीं होने वाला, सर ने बेकार बताया था। तो अपनी औकात पहचानो, और ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, नहीं पता है एक दिन आपको जिंदगी एहसास करा देगी। इसलिए बगल वाले को मत देखिए, आप सबसे अलग बच्चे हैं, आप वो नहीं हैं, अगर वही होते तो वही नाम होता ना और वही काम होता। तो अपनी औकात पहचानिए, अपनी औकात के हिसाब से ही आप प्लान बनाइए, चैप्टर वाइज आप उसको फिनिश करते जाइए और गलतियों को एनालाइज करते जाइए, क्योंकि मैं कई वीडियो में ऐसा कह चुका हूँ, अगर गलतियाँ आप एनालाइज नहीं करने वाले तो वो गलतियां एक दिन आपको एनालाइज कर देंगी, आपको एहसास दिला देंगी कि तेरे अंदर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए दूसरे को देख के मत पढ़िए। एक और बात, क्योंकि इस समय हम ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं कि बच्चा ऑफलाइन नहीं कर पा रहा है तो हम ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हैं, तो ये जानने की कोशिश करिए कि कौन सा ऑनलाइन वीडियो यह चैनल आपको वर्थफुल स्टडी देता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, सब अच्छे हैं लेकिन सब अपने एस्पेक्ट पर हैं, सबका अपना एक क्राइटेरिया है। कुछ ऐसे भी हैं जो आपको याद बहुत अच्छा कराते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रिक्स बताते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप चूज करिए उसमें कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और उसी से कनेक्ट रहिए, वो बार बार स्किप करके इधर उधर मत घूमिए। अगर हमारी बातें आपको ठीक लगती हैं तो हमसे कनेक्ट रहिए, किसी एक्स पर्सन की चैनल या उसके लेक्चर्स आपको बेहतर लगते हैं तो उससे कनेक्ट होइए। जो भी टीचर आपके साथ रहेगा वो अपनी तरह से अपने स्तर पर प्रयास करेगा, लेकिन तय आपको करना है कि हमें कैसा तरीका अपनाना है, कॉन्सेप्ट के साथ समझ के उसको रिटेन करना है या सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं।
क्वेश्चंस के आंसर हर जगह अवेलेबल हैं, आपके बहुत सारी गाइड्स में अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। लेकिन अगर उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे नहीं सीखेंगे तो वो गलती अगली बार फिर हो सकती है। लेकिन एक बार गलती की जगह रुक करके आप उसे सीख लेंगे क्या प्रॉब्लम थी, तो अगली गलतियां शायद ना हो। तो कोशिश करिए, छोटी छोटी कोशिश से ही एक दिन आप मंजिल तक करीब जा सकते हैं। निराश मत होइए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कभी भी मंजिल की तरफ लेकर नहीं जाती है। पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। गुड लक। We'll be right back.